वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 द रेट ट्रैप, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमेशा एग्जाम में ओवरऑल रिपीट हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो रोशन सा स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस की जो समरी होती है मेन पॉइंट के हेल्प से आप उसको देख सकते हो, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो आज भी हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स की हेल्प से। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू बता दूं कि इसके अंदर एक ऐसा लीड कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी ओवरऑल घूमती है। ठीक है, तो देखिए इस स्टोरी में एक ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जो अकेला रहता है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है ना ही कोई घर है, और वो एक रैट ट्रैप सेल करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, और उसका ये मानना है कि जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप में फंसी हुई है, और पूरी दुनिया किसी ना किसी कारण से एक रैट ट्रैप के अंदर फंसी है और फंसती जा रही है। जैसे कि वो कोई भी कारण हो सकता है, जैसे लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, लालच हो सकता है किसी चीज का। तो इन सारी चीजों को वो मेंशन कर रहा है, और वो उसका उसका थॉट ही यही है कि जो पूरी दुनिया है वो भी रैट ट्रैप की तरह ही उसमें फंसती चली जा रही है। ठीक है, और वो जो व्यक्ति है उसका पूरी स्टोरी के अंदर पहले की जो स्टोरी जब हमारी शुरू होती है तो उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, और एट दी एंड स्टोरी के एंड में उसकी मेंटेलिटी किस तरीके से चेंज हो जाती है, तो हमें ये जानने को मिलेगा इस स्टोरी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेट ट्रैप बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे कि आप इधर देख रहे हो, यहाँ पे एक शॉर्ट समरी दी गई है। पहले हम इस समरी को जान लेते हैं कि ओवरऑल क्या किसके ऊपर बात करी जा रही है और क्या है हमारी इस पूरी चैप्टर के अंदर। तो देखो, जो आप देख सकते हो, द रेट ट्रैप इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, तो जो स्टोरी है वो सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखी गई है। इट इज अबाउट अ पुअर होमलेस मैन हु अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग रेट ट्रैप्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो क्या है, गरीब है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज अबाउट अ पुअर होमलेस मैन, जो कि एक गरीब है। ठीक है, हु अर्न मतलब वो एक रेट ट्रैप सेल करके अपना जीवन यापन करता है। अ पुअर रेट ट्रैप सेलर इज अ थीफ, स्टोरी के अंदर उसे थीफ बताया गया है, चोर बताया गया है। उसके बाद बेगर और अलोन भी बताया गया है, यानी कि वो स्टोरी के अंदर उसे एक भिखारी, चोर और अकेला आदमी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ही थिंक्स द होल वर्ल्ड इज अ जाइंट रेट ट्रैप विद डिफरेंट बेट्स इन द फॉर्म ऑफ द कंफर्ट ऑफ लाइफ ट्रैपिंग अस इन टू द रेट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीडिंग अस टू मिस्ट्रीज। ठीक है, देखो, तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो उसकी थिंकिंग क्या है, वो ये थॉट है उसका कि जो पूरी दुनिया है वो रेट ट्रैप में फंसती चली जा रही है। तो सेम चीज यहाँ पे भी समरी में हमें बताई गई है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इस पूरी स्टोरी में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं हमारे सामने, और कौन कौन सी बातें हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पेज के साथ। तो फर्स्ट पेज में हमारा यहाँ पे दिया गया है, वन इवनिंग द पैडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर फ्रॉम एन ओल्ड क्रॉफ्टर। ठीक है, देखो पैडलर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, पैडलर। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, पैडलर वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरी जगह पर, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाकर कोई छोटी मोटी चीजों को सेल करते हैं, यानी कि छोटी मोटी चीजों को वो लोग बेचते हैं, उनको हम पैडलर कहते हैं। ठीक है, तो पैडलर यहाँ पे उसको बताया गया है, वन इवनिंग द पैडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर फ्रॉम एन ओल्ड क्रॉफ्टर। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। ठीक है, आश्रय मांगना किसी के घर जाके, मतलब रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगना, तो वो शेल्टर होता है। अब देखो, जो ये पैडलर है वो क्या कर रहा है, एक ओल्ड क्रॉफ्टर से ना वो रहने के लिए जगह मांग रहा है। ठीक है, वो मतलब कुछ काम कर रहा होगा और मतलब ओल्ड क्रॉफ्टर के पास आता है। ये हमारा एक कैरेक्टर हो जाएगा स्टोरी के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा एक कैरेक्टर हो जाएगा, इससे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। और एक कैरेक्टर हमारा पैडलर, यानी कि वही पर्सन जिसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, अब देखो, इसने रहने के लिए उनसे घर मांगा। ठीक है, अब जो ये ओल्ड क्रॉफ्टर है, अभी इसका वर्णन किया गया हमारी स्टोरी के अंदर, एक बहुत ही खुश मिजाज, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत ही खुश मिजाज है। ठीक है, और बहुत ही अपनी लिविंग लाइफ को इंजॉय कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, द क्रॉफ्टर ऑफर्ड हिम शेल्टर, मतलब उसको रहने के लिए उसको मान जाते हैं और उसको रख लेते हैं अपने साथ। ठीक है, एक रात के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है, जब ओल्ड क्रॉफ्टर जो होता है, मैंने आपको बताया कि वो खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति है, तो ये क्या करता है, उसको पहले तो अपने हाथों से कोई दलिया या खिचड़ी बना के उसको सर्व करता है।
वो लोग साथ में खाते हैं, उसके बाद वो लोग पत्ते खेलते हैं, पत्ते खेलने के बाद उसको तंबाकू वाला पाइप देता है वो पीने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी इनके और इनके बीच में होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जब जो पैडलर उनके घर पे रुका था तो उनके बीच कौन सी एक्टिविटीज हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद द क्रॉफ्टर, ठीक है, बट द पैडलर स्टॉल द क्रॉफ्टर्स मनी विच ही अर्न फ्रॉम सेलिंग काउज मिल्क। अब देखो जब वो लोग पत्ते खेल रहे होते हैं तो ओल्ड क्राफ्ट, ये जो क्राफ्टर होता है वही क्या करता है, ये अपने जो सेविंग्स होती है यानी कि वो सेविंग्स उसको दिखा देता है कि देखो पिछले महीने मैंने अपनी गाय का जो मतलब गाय होती है उसका दूध मतलब बेच के उसने इतने पैसे इकट्ठा किए हैं और उसने यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे वो मिस्टेक कर देता है, वो उसको सारी चीजें रिवील कर देता है, मतलब सारी चीजें वो बता देता है कि मैंने मतलब मुझे इतने पैसे मिले थे और मैंने इतने पैसे यहाँ पे सेव करके रखे हैं। अब हमारे पैडलर भाई साहब क्या करते हैं, ये जाके वहां उसको स्टॉल कर लेते हैं, मतलब सुबह की जो मॉर्निंग होती है तो क्रॉफ्टर जल्दी चले जाते हैं अपने मतलब दूध वगैरह जो भी उनको गाय के पास, ठीक है। तो ये इतने में क्या करते हैं, ये सारे पैसे उनके स्टॉल करके खिड़की से भाग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले बताया था कि जो पेडलर है हमारे वो कैसे हैं, एक थीव बताया गया इन स्टोरी में, ठीक है ना, बेगर भी बताया गया है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। आफ्टर स्टीलिंग ही रन इन टू द फॉरेस्ट। देखो अब पैसे चोरी करने के बाद ये सोचते हैं कि अगर मैं मेन रोड से जाऊंगा तो हो सकता है कि जो क्रॉफ्टर है वो पुलिस को बुला ले और पुलिस मेरे पीछे पड़े तो मैं जल्दी से जल्दी पकड़ में ना आ जाऊं। तो ये रोड की मतलब रोड के रास्ते से नहीं जाता और ये क्या करता है, ये जंगल में भाग जाता है, ठीक है। देन ये जंगल में भाग के देयर ही फाउंड शेल्टर एट दी फोर्ज ऑफ एन आयरन मास्टर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक कैरेक्टर आयरन मास्टर का आ गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक कैरेक्टर हमारा आयरन मास्टर हो जाएगा इस स्टोरी के अंदर। तो अब जो आयरन मास्टर का ना एक वो होता है मतलब जहां पे भट्टी टाइप होती है, ठीक है। तो ये वहां पे मतलब चला जाता है और आयरन मास्टर मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम टू अ क्रिसमस सेलिब्रेशन। अब देखो जब ये आयरन मास्टर के जो भट्टी होती है जब वो वहां पे चला जाता है तो अब आयरन मास्टर क्या करता है, वो डेली मतलब चेक करने आता है कि उसके वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पैडलर को देखता है तो इसको ये लगता है कि ये मेरा ओल्ड मतलब मेरा फ्रेंड है, क्योंकि इसकी जो जो हमारे पैडलर होते हैं इसके बाल बड़े होते हैं, ठीक है। बाल बड़े होने के साथ साथ इसने दाढ़ी भी बढ़ा रखी होती है और फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं, तो इसको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो इसको ये क्रिसमस पार्टी के लिए मतलब इन्वाइट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पैडलर जो होते हैं इसको मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और मतलब इसका जो इन्विटेशन होता है उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो पैडलर रिजेक्ट्स द आयरन मास्टर्स ऑफर बट एक्सेप्ट हिज डॉटर ऑफर, ठीक है। यहाँ पे उसकी डॉटर का जिक्र किया गया, तो डॉटर का नाम होता है एडला, ठीक है। अब देखो एडला का मतलब पहले बारी में तो जब ये ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, जब आयरन मास्टर वापस घर जाते हैं तो सैड होते हैं, तो इनकी डॉटर पूछती है कि आप इतने सैड क्यों हो, तो ये कहता है कि मुझे मतलब वहां पे मेरा फ्रेंड मिला लेकिन मैंने उसको ऑफर किया क्रिसमस सेलिब्रेशन में आने के लिए, उसने मना कर दिया। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं मैं जाती हूँ, मैं मतलब उसको ऑफर देती हूँ मतलब पार्टी में आने का। देन एडला जाती है उसको दोबारा इनवाइट करने कि आप चलो, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि एडला का जो बिहेवियर होता है बहुत ही एकदम काम बोल सकते हो आप, ठीक है, और बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छा कह सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, मना नहीं कर पाता इसको। नाउ मूव ऑन टू अनदर पेज। अब इसमें देखो देखो बात की गई है, बोथ इवेंचुअली केम टू नो दैट द पेडलर्स इज अ थीफ, दे रिग्रेट एंड थॉट ही वुड हैव स्टोलन ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब जब पेडलर जो होता है वो उनके घर पे जाता है तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं, इसको मतलब अच्छे खासे कपड़े देते हैं नहला के, ठीक है, अच्छे खासे कपड़े पहनाते हैं। तो जब ये मतलब बाहर आता है मतलब पूरा शेव वगैरह करके अच्छे कपड़े पहन के जब बाहर आता है तो आयरन मास्टर कहते हो तुम तो मेरे दोस्त हो ही नहीं, तुम तो कोई और हो और तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से उसको धमकाता है। तो पैडलर कहता है कि देखो मेरी गलती इसमें नहीं थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जबरदस्ती मुझे अपने घर में ले आए, ठीक है। तो उसने कहा कि बुलाओ पुलिस को, अगर मैं फंसूंगा तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से वो कहता है। तो उसकी डॉटर जो होती है एडला कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग क्या करते थे, हर साल किसी ना किसी भिखारी को थोड़ा घर में शेल्टर मतलब पार्टी वगैरह में इनवाइट कर देते थे, तो ये भी मतलब थोड़ा रहेगा और उसके बाद चला जाएगा। तो इस तरीके से वो उसको कहते कि आप पार्टी के बाद चले जाना, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे क्या होता है कि
वो दोनों जब चर्च जाते हैं तो चर्च में उनको क्रॉफ्टर मिलता है जो कहता है कि मेरे घर पे इतने पैसों की चोरी हो चुकी है, और जो चोरी जिसने की है वो एक रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है, और वो इधर ही कहीं जंगल में भागता हुआ आया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को लगता है, वो सोचते हैं कि मतलब हो सकता है, देखो बोथ इवेंचुअली केम टू नो दैट द पेडलर्स इज अ थीफ, बट दे रिग्रेट एंड थॉट ही वुड हैव स्टोलन ऑल द थिंग्स। मतलब वो दोनों सोचते हैं कि उसने हमारे घर से भी सारी चीजों को चुरा लिया होगा, ठीक है। नाउ बट टू देयर सरप्राइज, पैडलर डिड नॉट स्टील एनीथिंग। हाउएवर ही हैज अ चेंज ऑफ हार्ट, ही लेफ्ट द गिफ्ट फॉर एडला विद अ लेटर ऑफ थैंक्स, ठीक है। देखो वो लोग सोचते हैं कि उसने हमारे घर की सारी चीजें भी चुरा ली होंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, उसका जो हर्ट होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, और जो भी पैसे उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से, और उस पैसों को वो एक लेटर के रूप में एडला के लिए एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में वो सारे पैसे रख के मतलब उसी घर में छोड़ के वो वहां से निकल जाता है, ठीक है। नाउ नॉट जस्ट दिस, ही ऑल्सो लेफ्ट अ लेटर आस्किंग द आयरन मास्टर एंड डॉटर टू रिटर्न द मनी ही स्टॉल फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो मैंने आपको अभी बताया वो क्या करता है, कुछ भी चीजें नहीं चुराता, बल्कि वो जितने भी चीजें उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराई थी वो सारी चीजों को वो वहां पे रख के एक लेटर के साथ वहां से वो निकल जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो हर्ट है वो एकदम डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी स्टोरी में हमारा क्या है कि मतलब एक ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जो अकेला रहता है, ठीक है, चोरियां करता है, भिखारी है एक तरीके से, और लास्ट में उसका क्या होता है, बिल्कुल उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी उसके साथ हुआ था। देखो, ही रियलाइज दैट द काइंडनेस ही रिसीव फ्रॉम द आयरन मास्टर वॉज जेन्युइन एंड नॉट जस्ट अ ट्रैप, एंड रिटर्न्स द मनी, रियलाइजिंग दैट द काइंडनेस ही रिसीव्ड फ्रॉम द आयरन मास्टर। ठीक है, यहाँ पे लाइन रिपीट हो रही है तो इसको आप नहीं लिखोगे, ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ ह्यूमन कंपैशन एंड द पावर ऑफ काइंडनेस टू ट्रांसफॉर्म पीपल। गुडनेस कैन बी अवेकेंड एट एनी टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल स्टोरी क्या मतलब जो होती है, ओवरऑल स्टोरी हमें बता रही है, ठीक है ना, कि ये हाईलाइट करती है किसके थीम को, ह्यूमन कंपैशन को, ठीक है, मानवीयकरण जो भी होता है उसको ये स्टोरी हाईलाइट कर रही है, मानवीय की करुणा को, ठीक है। एंड द पावर ऑफ काइंडनेस मतलब दयालु की जो शक्ति होती है किसी इंसान को चेंज करने की, तो उसको ओवरऑल ये स्टोरी हमें थीम के रूप में समझाने की कोशिश कर रही है। टू ट्रांसफॉर्म पीपल, गुडनेस कैन बी अवोकन एट एनी टाइम, ठीक है, अच्छाई जो है वो कभी भी किसी में भी आ सकती है ना। तो ये पूरी स्टोरी को ये चीज हमारा मेंशन कर रही है, ठीक है। तो पूरी स्टोरी में हमारा यही था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उस पर्सन का किस तरीके से माइंड चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो अच्छी चीजें करना शुरू कर देता है। तो पूरी स्टोरी हमारी इसी के ऊपर, इसी के अराउंड घूमती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट्स के हिसाब से पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं, तो अगर आपको मेन पॉइंट्स भी थोड़े थोड़े याद है, तो आप किसी भी तरीके का आंसर एग्जाम में बना सकते हो खुद से, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी हमारी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।